their business is to do corruption, this all evidence showed that. Where is Sushil Modi? He was a deputy CM. He was the in charge of all BJP ministers. तो ये गरज कर बोले हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव. दरअसल तार किशोर प्रसाद का मामला है. नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है. मैं हूं अनुराग. तेजस्वी यादव आज पूरे तेवर में थे. तार किशोर प्रसाद के खिलाफ जो मामला आया है 53 करोड़ रुपए का, जो वारा न्यारा किया गया उनके परिवार के लोगों के द्वारा, और कहा गया कि ये फैमिली बिजनेस है. हालांकि ठेके दिलवाए गए पीएचईडी विभाग की तरफ से. जल नल योजना है जो सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है. घर घर नल का जल पहुंचाना है, और नल का जल पहुंचाने का काम किया डिप्टी सीएम के परिवार वालों ने. लेकिन कितना जल पहुंचा ये तो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, और अब पूरा परिवार घिर गया है विपक्ष के आरोपों से. और तेजस्वी यादव आज गरज गरज के बरस बरस कर बता रहे थे कि जो ये किया गया है, जब उप मुख्यमंत्री साहब से तारकिशोर प्रसाद जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिजनेस करना गुनाह नहीं है. तो तेजस्वी यादव ने कहा कि बिजनेस करना बिल्कुल गुनाह नहीं है, लेकिन ये जो है पूरा बिजनेस ही भ्रष्टाचार करना है तो ये गुनाह है. तेजस्वी यादव ने क्या कहा सुनिए पहले आप. जब सवाल पूछा गया इसको लेकर तो बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कहा कि बिजनेस करना गुनाह नहीं है. हमारा ये आरोप है, हम मानते हैं बिजनेस करना कोई बुरा काम नहीं है, अच्छी बात है बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का बिजनेस ही भ्रष्टाचार करना. देयर बिजनेस इज टू डू करप्शन, दिस ऑल एविडेंस शोज दैट. सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रोसीजर पीएच डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल को तोड़ा गया. ये बिजनेस नहीं है, ये भ्रष्टाचार है. दे डिड इट. ये तो अद्भुत है कि अभी भी जो है सामने को खुल करके नहीं आता. एंड वेयर इज सुशील कुमार मोदी जी? ही वॉज अ डिप्टी सीएम एंड ही यूज्ड टू बी इन चार्ज ऑफ ऑल बीजेपी मिनिस्टर. उन्होंने क्या किया भाई? तो सब लोग जो है पूरे देश दुनिया जानती है इनके चाल चरित्र. कितना भी पीआरडी डिपार्टमेंट से लिपापोती करा ले. तो सुन लिया आपने, तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से इंग्लिश में झाड़ दिया और कह दिया कि देयर बिजनेस इज टू डू करप्शन, दिस ऑल एविडेंस शो दैट. तमाम जो सबूत हैं वो दिखा रहे हैं कि उनका बिजनेस ही करप्शन है. और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा, पूछ दिया सवाल कि कहाँ है डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जो हर बात पर बयान देते हैं, अभी आखिर क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, क्यों आखिर सरकार का कोई आदमी भी सामने आकर इस पर सफाई नहीं दे रहा है, और सुशील कुमार मोदी भी क्यों चुप्पी साध रखे हैं. और उन्होंने थोड़ी देर पहले कनेक्शन भी उजागर किया, इससे पहले कहा भी कि सुशील कुमार मोदी से क्या कनेक्शन है. उन्होंने पूरी बात भी बताई थी कि किस तरह से कनेक्टेड हैं. डिप्टी सीएम रहे थे सुशील मोदी, और तार किशोर प्रसाद उस वक्त विधायक थे, और तार किशोर प्रसाद को उन्होंने फायदा पहुंचाया. तो डिप्टी सीएम उस वक्त रहे सुशील मोदी ने उनकी पैरवी की डिप्टी सीएम बनवाने के लिए बिहार का. तो सीएम इस पूरे मसले पर जो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव ने पूरी सरकार की पोल खोल दी, पूरी बीजेपी की पोल खोल कर रख दी, सुशील मोदी की पोल खोल दी, और तार किशोर की ऐसी की तैसी कर दी. बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे. फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद.